नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। चलिए चलते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की बात अफवाह निकली, रेलवे ने किया दावा। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट की कम से कम 30 उड़ानें प्रभावित। घने कोहरे से थमी वाहनों की स्पीड, भटिंडा आगरा और लखनऊ में जीरो विजिबिलिटी। पंजाब के बटाला में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 5 की मौत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के कुलपति विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी। इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेस और कैप्टन से मारपीट, शराब के नशे में छेड़छाड़, 2 अरेस्ट। जोशीमठ के प्रभावितों की मदद और उनके पुनर्वास की मांग को लेकर कल शाम वनबोलपुरा क्षेत्र के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। रामनगर की नगर प्रमुख समाज सेविका किन्नर याना खान को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यूपी के पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल आलिया भट्ट और रणवीर कपूर रविवार को इंडियन सुपर लीग फुटबॉल मैच देखने के लिए पहुंचे। 80 साल की उम्र में भी सुपरहिट दिखे बिग बी, बंगले के बाहर फैंस से मिले। 30 सालों से चला आ रहा है फैंस से मिलने का ट्रेडिशन। पूर्व मंत्री याकूब और उसके बेटों को होगी उम्र कैद। फेसबुक फ्रेंड से कराई पति की हत्या, 2 महीने पहले हुई थी दोस्ती, फिर अफेयर, अरेस्ट होने पर बोली पति टॉर्चर करता था। कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली में लैंड होने वाली 3 फ्लाइट जयपुर की तरफ डाइवर्ट। बम्बई हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक को दी जमानत, सीबीआई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का रुख। उत्तराखंड में ठंड को देखते हुए 15 जनवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश। क्या पठान के ट्रेलर में शाहरुख के साथ नहीं दिखेंगे सलमान खान? दिल्ली एक्सीडेंट पीड़िता के परिवार की मदद को आगे आए शाहरुख। तुनिशा की मां ने शिजान पर फिर लगाए बड़े आरोप। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के ऊपर रास्ता पड़ी भारी, हुड़दंगियों पर भारी पड़ी हरिद्वार पुलिस। जसपुर में चोरी की 3 बाइकों सहित 2 चोर गिरफ्तार। लक्सर जमीन की धोखाधड़ी करने 2 सदस्य गिरफ्तार। खटीमा प्रतिबंधन पॉलिथिन के खिलाफ एसडीएम की कार्रवाई। लोहाघाट क्षेत्र के युवाओं में बढ़ती नशे की रोकथाम की मांग। जोशीमठ प्रशासन ने मारवाड़ी भूदशा स्थिति का जायजा लिया। किच्छा में 12 दिन पूर्व हुई लूट की घटना का किच्छा पुलिस ने किया खुलासा। हल्द्वानी में शराबियों के खिलाफ ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म जारी, आत्मनिर्भर बने लोगों को किया सम्मानित। उत्तरकाशी की सटीक बैठ रही है मौसम विभाग की भविष्यवाणी। तेज रफ्तार सवारी से भरी बस डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर की हुई मौके पर ही मौत। जोशीमठ विपक्ष ने भी आपदा प्रभावित जोशीमठ नगर में डाला डेरा। जोशीमठ भूदशा मामले को लेकर अब केंद्र भी गंभीर हो गया है। जसपुर प्राचीन शिव मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए प्रयास। कंझावाला कांड के 6 आरोपियों को आज रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल का नीतीश पर हमला, भ्रष्टाचार किसान के मुद्दों पर घेरा। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में अदालत में सुनवाई शुरू। इंडियन आइडल से बाहर हुए विनीत।